वेलकम टू अवर चैनल सिनेब्रिटी। शर्लिन चोपड़ा ने लगाया है साजिद खान पर गंभीर आरोप। साजिद पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और कास्टिंग काउच का आरोप लगाते हुए सुनिए खुद शर्लिन चोपड़ा की जुबानी। देखिए, परसों जब मैंने जिया खान की डॉक्यूमेंट्री डेथ इन बॉलीवुड के बारे में पढ़ा तो अचानक मेरे जख्म ताज़ा हो गए और मुझे याद आया कि कैसे साजिद खान ने अप्रैल 2005 में मेरा यौन शोषण किया था। लोग पूछते हैं 2005 की बात आप आज 2021 में क्यों कर रही हैं, क्यों बता रही हैं। इन लोगों को बता दूं कि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में रखना। 2005 में मैंने अपना बाप खोया था। एक न्यूकमर थी मैं बॉलीवुड में, मुंबई नगरिया में। ये उम्मीद रखना एक 20 साल की लड़की से जिसने अपना बाप खोया हो और जो एक न्यूकमर हो कि वो ऐसे हादसे के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाए या मीडिया को अपने इस अनुभव के बारे में बताए, बहुत ही अनरीजनेबल होगा। मैं कुछ साल पहले तक खुद को ही कसूरवार ठहरा रही थी इस बात के लिए। मुझे लगता था कि अगर मैं साजिद खान से मिलने नहीं जाती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। और कई महिलाएं ऐसा ही सोचती हैं, वो खुद को ही दोषी ठहराती हैं अपने यौन शोषण के लिए। कुछ साल पहले जब मुझे पता चला मीटू मूवमेंट के चलते कि साजिद खान ने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि और भी कई महिलाओं के साथ गलत किया, तब जाकर मैंने खुद को कसूरवार ठहराना बंद किया। तब जाकर मैंने ये माना कि नहीं, कसूर मेरा बिल्कुल नहीं था। मैं अगर नहीं जाती तो मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता जो हुआ है, लेकिन किसी और के साथ होता, किसी और का शोषण होता। तो बात यहाँ पर मेरा, उसका, इसका, तेरा बिल्कुल नहीं है। बात यहाँ पर हम सब की है। तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे साजिद खान को सबक सिखाना है, नहीं, इसलिए क्योंकि मैं सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर किसी भी महिला का शोषण ना हो बॉलीवुड में, किसी भी महिला का फ़ायदा ना उठाया जाए, ख़ास तौर पर उन महिलाओं का जो छोटे शहरों से आती हैं बड़े सपने लेकर। ये मेरा उद्देश्य है। जी, 2005 मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक साल रहा। मैं शायद 20 साल की थी और अचानक मेरे पापा गुजर गए। आंध्र प्रदेश के सुनामी विक्टिम्स का इलाज करते करते मैं अपने पापा की चहेती हुआ करती थी एंड उन्हीं दिनों साजिद खान का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आपसे मिलना है, एक फिल्म करनी है आपके साथ। मैं बहुत खुश हुई ये सोचकर कि उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिलने वाला है, और उनके पास गई। लेकिन कभी दिल में ये डाउट नहीं आया था कि शायद मेरा शोषण होगा। नहीं, अगर ऐसा डाउट आया होता तो शायद मैं बिल्कुल नहीं जाती। और उनसे मैंने बताया भी था उनसे मिलते ही कि ऐसा ऐसा है, कुछ ही दिन पहले मेरे पापा चल बसे। मुझे लगा शायद थोड़ी बहुत
सहानुभूति मिलेगी, लेकिन नहीं। लोग कहते हैं ठीक है ना, लिंक दिखाया तो क्या बुरा किया, आप अंग प्रदर्शन करती हैं, आप सेक्स सिंबल हैं, आपके लिए बहुत आसान होता होगा किसी का लिंग अपने हाथ में पकड़ना। एडल्ट कंटेंट क्रिएटर मैं अब बनी हूँ, 2005 में मैं केवल एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी, एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी, और चाहे महिला जो भी हो, एक अभिनेत्री हो या एडल्ट कंटेंट क्रिएटर हो, बाजारू औरत हो, वैश्या हो, डांसर हो, सिंगर हो, रैपर हो, आकर्षित हो या आकर्षित ना हो, माल हो या माल ना भी हो, तो किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो अपना लिंग उसके हाथ में पकड़ा दे। ये जो माइंडसेट है लोगों की, जिसके चलते वो ये सोचते हैं कि ठीक है, चलता है, नहीं चलता है। यदि एक अभिनेत्री एक निर्देशक से मिलने जा रही है और निर्देशक फिल्म की कहानी सुनाते सुनाते अचानक अपने लिंग का प्रदर्शन करता है और अभिनेत्री से कहता है छूकर देखो ना और बताओ कैसा लगता है, तो ये मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आप खुलकर बोलो, खुलकर बोलो कि देखिए मुझे आपके साथ संभोग करना है, मुझे आपके साथ शारीरिक रिश्ता रखना है, संबंध बनाने हैं, मुझे अपना लिंग आपको दिखाना है, अपना लिंग स्पर्श करवाना है। खुलकर कहो ये बातें और फिर देखो इसका अंजाम क्या होगा। आप फिल्मी प्रलोभन देकर हम कलाकारों को अपने पास बुलाते हो और अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हो, ये गलत है। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ ज्ञान बांटने नहीं, प्रवचन देने नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बोलने के लिए कि बॉलीवुड बॉलीवुड के तौर तरीके ये अगर मुझे बहुत पहले समझ में आ चुके होते तो शायद मेरा अनुभव कुछ और होता। लेकिन न्यू कमर्स को कोई बताता नहीं है कि देखो डिनर के कई सारे मतलब निकलते हैं, बचकर रहना। देखो कोई निर्देशक या निर्माता अपने पास बुलाए काम के लिए तो अकेले मत जाना, साथ में बॉडीगार्ड को लेकर जाना। इस तरह की ट्रेनिंग हमें कोई देता नहीं है। आज मैं एडल्ट कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ, इसका पूरा श्रेय मैं बॉलीवुड को देना चाहूँगी। बॉलीवुड ने मुझे एक एडल्ट कंटेंट क्रिएटर बनाया है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक हीरोइन बनने आई थी, बॉलीवुड ने बताया कि हीरोइन बनने के लिए नमक का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझ नहीं पाई कि नमक एक्चुअली होता क्या है। नमक का सेवन तो हम सब करते हैं, तो फिर ये किस नमक की बात करते हैं। धीरे धीरे समझ में आया कि इन्हें एक्स फैक्टर की ज़रूरत होती है। मुझे याद है जब मैं बॉलीवुड के लीडिंग यानि मशहूर निर्देशक निर्माताओं के पास काम मांगने जाती तो वो कहते आप में वो बात नहीं है, और मैं उनसे पूछती सर कौन सी बात नहीं है बताइए ना। नहीं, वो बात नहीं है जो जो सनी लियोन में है।
अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो उनमें है और हमें नहीं है? नहीं, वो एक मशहूर पॉर्न स्टार हैं, आप कौन हो? आप तो एक मामूली एक्टर हो। अच्छा, आज मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ कि आज आपकी क्या राय है मेरे बारे में। लो बन गई मैं आपकी अपनी देसी सनी लियोन, अब क्या कहना चाहेंगे आप? बात घूम फिर कर ये बनती है कि बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में इतना दोगलापन क्यों है? यानी जो दिखता है वैसा होता क्यों नहीं है? इनका फंडा ये है, बद रहो लेकिन बदनाम मत रहो, खुले में डिप्रेशन के नारे लगाओ, बंद कमरे में अगर माल का सेवन करना हो करो, बेशक करो, खुले में फैमिली सेंटिमेंट्स की बात करते हैं और बंद कमरे में लिंग स्पर्श करवाना चाहते हैं। क्यों? जो काम आप बंद कमरे में करना चाहते हो उसकी चर्चा करो खुले में, लेकिन नहीं, बद रहो लेकिन बदनाम मत रहो, ये इनका फंडा है। मेरा फंडा बहुत ही अलग है, इसके विपरीत मेरा फंडा है। बदनाम होना मंजूर है लेकिन बद रहना बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे बद नहीं रहना, मैं धूम्रपान नहीं करती, मैं शराब नहीं लेती, शराब नहीं पीती, मैं माल का सेवन नहीं करती हूँ, मैं ड्रग्स नहीं लेती, मैं धूम्रपान नहीं करती, लेकिन आप मुझे अपना आदर्श नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि बद नहीं हूँ तो क्या, लेकिन बदनाम तो हूँ। ये फंडा मेरी समझ के बाहर है और इस तरह की घटिया सोच को मैं फ्लश करना चाहूंगी। देन ऐसे लोगों को नहीं चाहती सुनील जी कि ऐसे लोग जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं, जब आपने एक्शन नहीं लिया, आप ऐसे नहीं चाहती कि ऐसे लोग जो हमारी इंडस्ट्री में ऐसे जैसे कि आपने कहा कि बद होकर घूम रहे हैं, तो ऐसे लोग नहीं चाहते कि जेल की सलाखों के पीछे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब माइंडसेट चेंज होता है तब हृदय परिवर्तन होता है, तब पर्सनालिटी में निखार आती है, बदलाव आता है। मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड का जो कलेक्टिव माइंडसेट है उसमें बदलाव आए। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बॉलीवुड में एग्जिस्ट करता है ये ख़त्म हो जाए। इन्हें लगता है कि हम इनके बाप की जागीर हैं, जब मन चाहा अपना लिंग दिखाते हैं, जब मन चाहा अपना लिंग पकड़ाते हैं, जब मन चाहा डिनर के लिए बुलाते हैं। तो ये जो माइंडसेट है इनका, इसे बदलना होगा। और बदलाव कब आता है? जब हम हम बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं उस विषय पर, तब अवेयरनेस क्रिएट होती है और तब बदलाव आता है। तो आज उसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि उसे जेल हो जाए। चलो ठीक है, जेल जाकर बाहर निकल कर आएगा, वो कभी ना कभी तो उसकी सज़ा ख़त्म होगी, वो बाहर आएगा जेल से, उसके बाद क्या? साजिद खान जैसे कई लोग हैं इस समाज में, समाज का हृदय परिवर्तन हो। आप बोलते हैं अरे ये देखो जो लड़की खुद आंग प्रदर्शन करती है वो बात कर रही है समाज समाज में बदलाव लाने के लिए। हाँ, आंग प्रदर्शन करती हूँ मैं, कहाँ करती हूँ? अंतर्राष्ट्रीय अडल्ट वेबसाइट पर करती हूँ। अगर आपको पसंद है आप आए, सब्सक्रिप्शन लें और अडल्ट कंटेंट देखें मेरा। किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करती हूँ, इलीगल पदार्थों का सेवन नहीं करती हूं, मर्डर नहीं किया किसी का, कोई बैंक नहीं लूटा मैंने, अपने टैक्सेस टाइम पर पे करती हूं। तो दिक्कत क्या है? नहीं, आप कैसे बात कर सकती हैं? क्यों ना करूं मैं? नहीं, आप कैसे उंगली उठा सकती हैं? क्यों ना उठाऊं उंगली?
क्योंकि मैं अडल्ट कंटेंट क्रिएटर हूं, इसका मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे कोई उसूल नहीं है, आदर्श नहीं है। शर्म तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड्स आपके हैं, मेरे नहीं है। दोगलापन आप में है, मुझ में नहीं है। मैं खुली किताब हूं, क्या आप बन सकते हैं खुली किताब? नहीं, आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पसंद है, आपको पसंद है बदनाम नहीं रहना, और आपको पसंद है बद रहना, यानी छिद भी अपनी पट भी अपनी। मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद इस तरह जीना, एक नकाब पहनकर जीना मुझे नहीं पसंद। तो मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द उन तमाम लोगों के नकाब उतारे जाएं जो ये दिखाते हैं समाज को कि वो शरीफ हैं। जिस दिन शराफत का नकाब उनका उतर जाए ना, तब समझ में आएगा समाज को कि बॉलीवुड में शराफत कितनी है। इतनी कम है कि आपको ताज्जुब होगा, आपको शर्म आने लगेगी ये जानकर कि बॉलीवुड असल में कैसा है। मैं यहां पर बैठी हूं बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए नहीं, मैं यहां पर बैठी हूं सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि आने वाले न्यू कमर्स के साथ शोषण ना हो, वो सतर्क होकर अपने प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए जाएं, वो जान लें अच्छी तरह से कि यहां पर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है। हम चाहेंगे कि ऐसे लोग जो है जल्द से जल्द लोगों के सामने उनका जो नकाब है वो सामने आए। एंड इसके अलावा सलीम जी, इन दिनों एक वेब सीरीज आई है तांडव, आपने देखी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सीरीज पर, क्या कहना चाहेंगे? तांडव देखी मैंने, और ऐसे कुछ सीन्स हैं तांडव में जिनमें हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया गया। मैं मानती हूँ कि मनोरंजन के लिए किसी भी धर्म के देवता को या देवी को हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यानी मनोरंजन के लिए क्या आप ऐसा करना सही समझते हैं? मैं नहीं समझती। देवी देवताओं का मजाक उड़ाना जरूरी नहीं होता, तो कृपया ये काम ना करें। फ्रांस में किसी टीचर ने मुसलमानों के प्रॉफिट को उनका उन मुसलमानों के प्रॉफिट का एक कैरिकेचर बनाकर प्रेजेंटेशन दी अपने क्लास में, तो उसका गला काट दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि टॉलरेंस नाम की चीज़ ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन हमारे देश में देवी देवताओं का अपमान होता है और हम चुपचाप सहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि हम सहन शक्ति जो हैं, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं और हम जिएं और जीने दें, हमें ये सीख दी जाती है। तो क्या हमारी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है? बेशक उठाया जा रहा है, और अब समय आ गया है कि हम बताएं इन लोगों को कि देखिए, अब आप हमारी अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकते। अगर आप वार करेंगे तो हमें पलटवार करना पड़ेगा। आप हमारे सेंटिमेंट्स के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है। एक मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल कि आज अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है, जो बाइडेन 46 जी बनने जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से अगर आपकी कुछ प्रतिक्रिया एंड आपकी तरफ से विश अगर आपके लिए मैसेज। आज अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतिहास रचाने वाला है, और मैं बहुत खुश हूँ सारे अमेरिकन्स के लिए। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ जो बाइडेन जी को, कमला हैरिस जी को। जहाँ लीडरशिप की बात होती है, वहाँ पर हम सब ये मानते हैं कि एक अच्छा नेता वही कहलाता है
जो समझदार हो, जो स्थिर हो, जो सुलझा हुआ हो, ना कि जो महामूर्ख हो। तो ये बड़ी बड़े गर्व और बड़ी खुशी की बात है आज अमेरिका के लिए, जो उन्हें एक सक्षम, स्थिर और समझदार, सुलझा हुआ इंसान मिला है एक नेता के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मज़ेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।